हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। इतने अरसे के बाद और अब से जो है व्लॉग्स वो है कंटिन्यू आने वाले। मेरा फ़ोन भी टूटा हुआ भाई, बहुत बुरा हाल होके रखा है इसका। और इसका अभी अभी जो मैंने ग्लास उतारा, शीशे एग्जैक्ट कैमरे वाली जगह से ये टूटा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि ये उतारने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ी सी मैं जलील हुआ पड़ा था एग्ज़ाम्स की वजह से, इसलिए व्लॉग नहीं हो पा रहे थे। अभी हम हैं अपने गांव में। मेरा पासपोर्ट पिछले कुछ 8 महीनों से वो लटक रहा था, उसका पासपोर्ट वाला काम, गवर्नमेंट के काम। और ये तो मैं भाई साथ लेके चलूंगा इसको, अच्छी सी एक छोटी सी इसकी कब्र निकालेंगे, उसमें इसको रखेंगे, यादगार बनाएंगे भाई। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कल आने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा भाई। तो अभी सुबह सुबह जी मुझे काम पड़ गया है, तो वो उनको क्या बोलते होते हैं, चौकीदार के पास। वकार वहाँ से निकल आया है, यहाँ से निकला है और वो कहीं यहाँ पे पहुँच गया आगे। मुझे यहाँ से निकलना है और वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ से जाके हम इकट्ठे हो जाएंगे, फिर पहुँचेंगे चौकीदार के घर पे। मुझे जो है चौकीदार के घर का कुछ भी एड्रेस वेड्रेस पता नहीं था, बज के यहाँ तक पहुँचाऊँ। आधा रास्ता तो मैंने कवर कर लिया भाई फट से, और मुँह सूख गया मेरा अभी से, आंखों में ऐसे नींद है। मैंने सुबह उठ के मुंह भी नहीं धोया गाइस, थोड़ा सा सिर्फ ऐसे पानी निकाला, ऐसे किया ऐसे ही, बस थोड़ा सा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी कर ली थोड़ी बहुत ऐसे करके। अवकार मेरे को अभी दिखाई दे रहा है भाई, आ गया मैं भाई, आ गया, बच्चो बच्चो वाह। वैसे हमारी जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, ऑब्वियसली जिसकी जगह होगी उसको खूबसूरत लगेगी। मैं भी क्या फातर हूँ, निकला। ये है जी एग्जैक्ट जगह जहाँ पे मैंने बोला था वकार को कि तू आ जाना, और 40 मिनट पहले उसने मेरे को कॉल करी कि मैं घर से निकल आया हूँ, और मैंने बोला बस भाई मैं आ गया। मैं हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया कैसे करके, और 20 मिनट का सफ़र तय करके यहाँ पे भी पहुँच गया, और बंदा यहाँ पे है नहीं भाई। कमेंट करके बताना आपके भी दोस्त ऐसे करते होते हैं या नहीं। A few inches later, हालत तेरी को छोड़, पहले इसको ऑनलाइन जो है क्या लगने चाहिए, थप्पड़। इसने फोन किया बंदे ने कि मैं निकल रहा हूँ, तब मैंने ब्रेकफास्ट शुरू किया था। तु, 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 तु। टिपिकल सा हेयर स्टाइल थोड़ा सा ठीक करने दे भाई। ये पीछे हमारे था चौकीदार साहब का घर, क्या रास्ते में लेके आया ये विकार मुझे सुबह 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 में दिखाता हूँ, एकदम प्योर वाली ऑफ रोड भाई। जिन जिन के पास वो गाड़ियाँ हैं ना ऑफ रोडिंग वाली, यहाँ पे आओ स्वाद आने वाला, इसको बोलते हैं प्योर ऑफ रोड। और शायद वहाँ से शायद निकल चुका है वो, यहाँ से ये पूरा एरिया, फ़ोन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो बहुत बड़ा एरिया कवर करके वो जो नीचे पहुँचेगा। और हमने मुझे यहाँ से ये नक्का क्रॉस करके उधर जाना, घर पे पहुँचना है, और फिर जाके रेडी होना है। फिर ये अभी मतलब 2-3 जगह पे और जाना है मैंने कुत्ते पंखाने के लिए, तो भाई हो जाएगी तब तक मेरी। तो एक ही चीज़ करते हैं, घर पे चल के ना रेडी वेडी होके आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। दुनिया जहान की और मेलों की खजालत दे के सुबह सुबह मैं वापस घर पहुंच गया, और रेडी भी हो गया। अभी पैसे क्यों दिखाने ज़रूरी होते हैं। तोता ऑलमोस्ट पहुंच गया है जहां पे, मतलब जिस पुलिस स्टेशन में मैंने जाना है। अभी मैं तैयार होके ही अपने नक्के के ऊपर घर के सामने खड़ा हुआ हूं, देख रहा हूं भाई कोई गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए। अभी गाड़ी वाले ने जलील करना है सुबह सुबह, तो चौकीदार के कामों में हम भाई गवर्नमेंट के काम ना बड़े ऐसे लटकने। सुबह 7 बजे निकला था मैं, और पूरे 10 बजे लगभग वापस आके पहुँचा हूँ। अरसे के बाद व्लॉग बना रहे हैं भाई साहब, कैसे पहुंचे आप यहाँ पे? बस आपके साथ साथ यार, अबाउट टू एंटर द पुलिस स्टेशन, और ऑब्वियसली अंदर मैं व्लॉग नहीं करूँगा तो क्योंकि छितर पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बाहर आके आप लोगों से मुलाकात करते हैं। वेल, थाने से तो मैं बाहर निकल आया गाइस, और मेंडर पहुँच गया हम, व्लॉगर्स इन द हाउस मुस्तफा भाई। पहली मुलाकात हमारी हुई थी कहाँ पे, सुनगोड में, और जैसे मैंने इस बंदे को देखा मैंने फट से पहचान लिया। मैंने बोला भाई ये बंदा तो वही है, पर इसने थोड़ी सी दूर से जाके मेरे को पहचाना, खैर पहचान लिया। ब्लॉग बना रहा था, कॉल की और बीच में से क्लिप डिलीट हो गई, और हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं भाई। एक तो यहाँ पे पता है शोर होती है, और ऊपर से तो निकलते हैं यहाँ से, हाँ एग्जाम खत्म। कैसे हुए यहाँ पे, क्या बताइए ना। वेल, किसी खुफिया जगह पे हम, अभी जिसको पता है कमेंट करके पहले ही बता दो। हाय गाइस, कैसे हो? नहीं, ये पहले ही हो चुका है, छोड़ो, रहने दो, दूर रहने तू सारे। निकलने से पहले ही हमने जो है थोड़ा सा काम बच रहा था शायद का,
तोते का। तो हम आगे कॉलेज घूमने के लिए, और ये पार्ट जो है कॉलेज का, इसमें मैं पहली बार आया हूँ मेंडर कॉलेज में हम अभी, और हमारे साथ है अतीब, हमें कॉलेज टूर दे रहा था। जो इसको, ये एक नंबर का नूबड़ा है गाइस, अगर आप कोई मेंडर कॉलेज से देख रहे हो, इसको थोड़ा सा मुझे टूर देना, नहीं सिर्फ लेके आया यहाँ पे गाइस, ये रास्ता है पूरा। मैंने इसको पूरा टूर दिया लेकिन ये समझ नहीं रहा है, इसको मैंने बताया, ब्लॉग्स बताए, सब कुछ बताया, मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, क्या बोल रहा था, ये रास्ता है, ये घास है, यहाँ से चलते हैं वो साइड पे, और छोड़ के इनको मैंने छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा उठा के ये भी बताया, देखिए गाइस इसे पत्थर बोलते हैं। कॉलेज टूर हो गया और यहाँ से निकलो वापस। देखिए आपको मैंने आपको पहली फर्स्ट अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है गाइस आपका, मैं पहली बार अंदर आया हूँ और ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था यार। यार मैं कॉलेज से मैचिंग नहीं हो रहा हूँ, है ना, हाँ क्या मैचिंग बात है। थोड़ा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बा नहीं डिपार्टमेंट चीज क्या होना सा दस क्या होना सा दस से ना ये अभी क्या बोल रहा था, क्या बोले अभी, ये शुरू करने निकल गया सर डिपार्टमेंट, ये मेडिकल ब्लॉक है, वो कोई बुड्ढा है जिसका नाम है गैलियल, छोड़ जो भी है, ये कोर बुड्ढा यानी, अभी चलते ना, बताया आता है ना तू, फिर वापस आएंगे। कहा था परसों मैं आऊंगा, आएंगे, मैंने कहा था जब आएगा तो मुझे मैसेज कर देना। जहाँ पे पेंट अच्छे से गंदी हो मेरी, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस। जैसे जैसे बारिश होती जा रही है, पैंट